हेलो नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन चाइना में। तो दोस्तों, मैं आपका भाई अपना भाई योगा टीचर रवि भारद्वाज चाइना से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। आज जा रहा हूं ज्वेलरी शॉप पे और यहां से दिखाऊंगा चाइना से आपको कि चाइना में जो है ज्वेलरी शॉप पे एक किलो सोने का क्या रेट है। ठीक है भाई, तो कुछ ही देर में मैं शॉप पे पहुंचने वाला हूं दोस्तों। वहां पे जाके सारे डिज़ाइन दिखाऊंगा यहां पे किस तरह के और किस तरह के डिज़ाइन के आपको यहां पे ज्वेलरी मिलती है और क्या क्या चीज़ें आपको यहां पे मिलती है और इंडिया से और चाइना में जो है डिज़ाइंस में कितना अंतर है और बहुत सारी चीज़ें आपको आज देखने को मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को फुल सपोर्ट करना है दोस्तों। बस मुझे अभी ये पुल क्रॉस करना है और मेरे सामने ही है यहाँ पे जीटीसी मॉल और जीटीसी मॉल के अंदर ही आपको यहाँ पे ज्वेलरी शॉप है, मेरे घर के पास है। तो यहीं पे आया हूँ, अमन के लिए कुछ सामान लेना है, अमन का बर्थडे है। वहीं पे जाके आपको जो है दिखा दूंगा कैसा है भाई ज्वेलरी शॉप यहाँ का। A few moments later. So guys, अब मैं एंट्री कर चुका हूँ चाइना की एक ज्वेलरी शॉप के अंदर और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ। पूरा खतरा मोल ले रहा हूँ आप सबके लिए और सारे डिज़ाइंस मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे करके। और यहाँ पे आपको सारी डिज़ाइन की चीज़ें मिलेंगी, चैन। ये इस साइड पे ये सारा डायमंड है, यहाँ पे सारे हीरे जवाहरात से बनी हुई चीज़ें हैं। इस साइड पे ये सारा डायमंड का स्टॉक है और दूसरी साइड पे आपको गोल्ड और गोल्ड से बनी हुई चीज़ें और गोल्ड की बड़ी बड़ी ईंटें और नेकलेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और बहुत बड़ी भारी भरकम चैन आपको जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी दोस्तों। ये है सोने की ईंटें, अगर आप चाहें तो ये भी ख़रीद सकते हैं। ये सारी सोने की ईंटों और बना हुआ सारा सामान ये जो 24 कैरेट में बना हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। भगवान बुद्ध जी का जो यहाँ पे नेकलेस बना हुआ है और इस तरह के ब्रेसलेट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलते हैं, चाइना के लोग बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं जो लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे वीडियो शूट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए किया आप सबकी डिमांड पर। भाई एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोल्ड लगा हुआ इस पर है, ये वॉच जो है आप देख सकते हैं। सो गाइज, अगर आप इन वॉच की कॉस्ट को पता करना चाहें तो नीचे देख सकते हैं युआन में लिखा हुआ है और वैसे भी ये कॉस्ट जो है 25,000 से लेके 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक आ जाती है। और आज मैं अमन के बर्थडे पे कुछ सरप्राइज़ के तौर पे यहाँ से ख़रीदना चाहता हूँ। कुछ पसंद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या ख़रीदूँ क्या लेके जाऊँ। चाइना वाले इस ड्रैगन को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं कि ये ड्रैगन जो है अपने मुंह से पैसा नीचे फेंक रहा है, आप देख सकते हैं लड़ी जैसी लगी हुई है इतनी लंबी। तो यहाँ पे जो भी बिजनेस वाली जगहें हैं उन पे मिल जाता है आपको। और ये कीटी हाथ हिलाते हुए सारे गेस्ट का स्वागत करते हुए हेलो हेलो करते हुए सब कैमरा घुमाते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्रेसलेट और नेकलेस हैं और थोड़े से कड़े भी हैं हाथ में डालने के लिए सोने के बने हुए 24 कैरेट में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सोने का जो रेट है भाई सबसे पहली वाली लाइन में है, बाकी मुझे पता नहीं क्या है, 400 युआन पर ग्राम के हिसाब से है। और ये बड़ी वाली चैन को आप देखेंगे दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा हैवी थी, उसके साथ में जो राइट साइड पे एक लाइन में लगी हुई है आप इसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी है ये सारी जो है। सो अगर आप चाहें अपनी मम्मी को या अपनी सिस्टर को या अपनी गर्लफ्रेंड को किसी को भी गिफ्ट करना चाहें इस तरह के नेकलेस तो आप यहां से ले सकते हैं, लेकिन ये जो है इसका जो स्टोन है इसकी कीमत बहुत ही महंगी रहती है, तो आपको ये हो सके तो 1 लाख से 2 लाख 3 लाख 4 लाख के बीच में पड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हर छोटे बड़े पुल के नीचे पुल के ऊपर बहुत सारे कैमरे लगे रहते हैं आप देख सकते हैं, जो कि आने जाने वाली सारी गाड़ियों की जो है वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसके अंदर। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, चाइना के अंदर ये बड़े पुल हैं उनके नीचे देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई भी झुग्गी झोंपड़ी गंद कचरा आपको देखने को नहीं मिलेगा और ये एक अच्छी बात है आई थिंक। अदरवाइज इस तरह की जगहों पे आतंकवादी रोहिंग्या घुसपैठिए घुस जाते हैं और बम फोड़ सकते हैं भाई बहुत ख़तरनाक होते हैं ये प्रजाति।
तो दोस्तों जिस तरह से देखिए भारत में हमारे देश में करोड़ों आतंकवादी घुसपैठिए घुसे पड़े हैं और पुलों के नीचे लेट जाते हैं, अपनी झुग्गी झोंपड़ियाँ बना लेते हैं। रोहिंग्या, आपको मैं बता रहा हूँ, रोहिंग्या की बात कर रहा हूँ, जो कि इस तरह के अंधेरे अंधेरी जगहों पर बना लेते हैं अपनी झुग्गी झोंपड़ियाँ, वहीं पर अपना 10-10 बच्चे पाल लेते हैं। तो भाई उन सब के लिए यार मैं बताना चाहूँगा, देखो इस तरह की जगह चाइना जो है रोहिंग्या के देश से 1 किलोमीटर की दूरी पे है और भारत हजारों किलोमीटर की दूरी पे है। वो जो है भारत में घुस गए, यहाँ पे नहीं घुसे, उन्हें पता था भाई यहाँ पे घुसेंगे ठा गोली मारेंगे पिछवाड़े पे भाई रे यहाँ मिलता है चाइना में सबक मज़ा आता है यार देख के, यहाँ पे यहाँ रखा है ठोक के कसम से यार। तो देख लो भाई लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पुलों के नीचे किसी की औकात नहीं है कि कोई भी झुग्गी झोंपड़ी बना के रह ले। हाँ भाई देख लियो, फ़ोन बिल्कुल हाथ ठंडा हो गया यार, घर जा रहा हूँ ठीक है, और घर पे पहुँच के बात करेंगे भाई अब। A few moments later. Hello. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. आगे बेटा आगे, आपका गिफ्ट दे रहा हूँ मैं, एक मिनट है ना, मम्मा को ओपन करने दो ना। चलो जी आ गया जी, केक आ गया। क्या बोल रहा बोल अभी क्या बोल रहा था अभी हम बहुत सारी गेम करने वाले अमन के साथ में, आ जाओ अमन। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी और वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अमन के बर्थडे का जो ब्लॉग है वो भी बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होने वाला है। आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि उसमें जो है चाइनीज ट्रेडिशन और इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है। तो दोस्तों उसमें आपको सिमिलैरिटी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी इंडियन और चाइनीज कल्चर के बारे में, तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट ब्लॉग का। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।